जिला कांगड़ा की तहसील नूरपुर की पंचायत खनी उपरली में शहीद सूबेदार राजकुमार के परिजन व क्षेत्र के लोगों ने अपने लाडले सपूत की वीर गाथा को आज याद किया। जननी जने तो वीर जने या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवाए नूर की पंक्तियों को चितार्थ करते हुए अपनी वीरता और बहादुरी का परिचय देते हुए वीर सूबेदार राजकुमार ने आज ही के दिन उग्रवादियों से लोहा लेते हुए शहादत का जाम पिया था। नूरपुर क्षेत्र के गांव खनी में स्वर्गीय दीवान सिंह के घर जन्मे वीर योद्धा ने श्रीनगर के पुछ क्षेत्र में उग्रवादियों से लोहा लेते हुए वीर गति प्राप्त की थी। शहीद राजकुमार की याद में खननी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में शहीद राजकुमार को याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। शहीद राजकुमार के भाई अशोक कुमार ने बताया कि शहीद सूबेदार में पंजाब रेजिमेंट व आरआर थल सेना में भर्ती हुए थे और विगत वर्ष वह पुछ सेक्टर में बतौर सूबेदार पद पर तैनात थे। उनकी याद में स्कूल के बच्चों को कॉपी, पेन, पेंसिल, स्वेटर और बूट इत्यादि वितरित किए गए। मेरा छोटा ब्रदर राजकुमार जो 26 पंजाब में थे, तो उन्होंने श्रीनगर में 53 अटैचमेंट की थी, तो वहाँ बड़गांव में उसे रात को गोली लगी थी, तो वो शहीद आज के दिन वो शहीद हुए। तो उनकी याद में बच्चों को स्वेटर कोटी जो भी हमसे बना वो बच्चों को दिया। शहीद राजकुमार के बेटे रोहित ने बताया कि जब पुछ सेक्टर के एक गांव में एक कुछ उग्रवादियों के पीछे छिपे होने की सूचना सेना को मिली तो उद्यम साहस का परिचय देते हुए इस वीर सूरवीर सूबेदार ने 8 जवानों की टुकड़ी के साथ क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था और आतंकियों को घेर लिया था। इसी दौरान एक छिपे हुए आतंकी ने राजकुमार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे वह बुरी तरह से गोलियों का शिकार हुए थे, लेकिन मैदान से हटे नहीं और आखिरी सांस तक आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। परिवार श्री राजकुमार के परिवार की तरफ से, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती तोशी देवी जी की तरफ से बच्चों को जो है स्कूल में जो है कोटी वगैरह बांटी गई, कॉपियां बांटी गई, पेन वगैरह बांटी गए, और इसके अलावा शूज और बैग भी बच्चों को जो है वो दिए गए हैं। आज दिनांक 9 तारीख को स्कूल के अंदर, और ये राजकुमार जी पिछले साल ही आज के दिन जो है वो पुंछ सेक्टर में जो है उग्रवादियों से लोहा लेते हुए जो है वो शहीद हुए हैं, और आज स्कूल की तरफ से जो है उन्हें श्रद्धांजलि जो है समर्पित की गई है, और उनके परिवार के सदस्यों की तरफ से बच्चों को जो है कॉपियां, कोटियां, बूट और बैग जो है वो बांटे गए हैं।